अगेन टू से करेंगे टू और ये आपका वन तो ये जो नंबर्स आए हैं क्या है प्राइम नंबर है ओके okay, यहाँ प्राइम नंबर होना चाहिए ऐसा नहीं 64 को आपने 16 से कैंसिल करके छोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना टू कितने टाइम है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स टाइम है तो आप राइट कर दीजिए वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स आपको स्क्वायर रूट पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे कुछ राइट कर लीजिएगा स्क्वायर रूट ऑफ़ पे इक्वल टू और ये अंडर रूट यहाँ लगा दीजिएगा ओके रूट के अंदर तो यहाँ पे भी आपको ऐसे करना ही पड़ेगा ओके okay? क्वेश्चन में यहाँ पे मत राइट करिएगा यहाँ पे नहीं होगा यहाँ से होगा तो रूट के अंदर जो चीज टू टाइम होती है उसे आप वन टाइम बाहर राइट करते हैं यहाँ पे टू होगा उसे आप वन टाइम बाहर राइट करते हैं तो ये यह देखिए यहाँ टू का पेयर बन रहा था आप इसे वन टाइम यहां पे टू का पेयर है तो इसे भी वन टाइम और यहाँ पे टू टू का वन पेयर है तो इसे भी वन टाइम तो मल्टीप्लाई करिए तो टू टू जा फोर फोर टू जाट ओके समझ में आया चलिए नहीं समझ में आया क्वेश्चन नंबर सिक्स बताते हैं उसके बाद समझिएगा ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है सेवन सेवन फोर फोर तो आपको पहले राइट करना है स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटी फोर ओके क्या राइट करेंगे इक्वल टू अंडर रूट सिक्सटी फोर अब सिक्सटी फोर को जैसे आपने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हो गया क्वेश्चन नोट कर दिया मैंने क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका ये था मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया था नोट करने में 744 है क्वेश्चन तो जैसे हमने यहां 64 को फैक्टराइज किया है ऐसे 7744 को कर देंगे फैक्टराइज 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 3 जा 6 2 8 जा 16 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 हो गया आपका ओके okay? 19 से कर दे रहा हूँ मैं मुझे पता है 19 2 जा 36 अगेन आपको 2 से करना है तो 2 9 जा 18 2 6 जा 12 2 8 जा 16 फिर से आपके टू से हो जाएगा टू फोर जाट टू एट जा सिक्सटीन और टू फोर जा एट अब ये टू से करेंगे तो टू टू जा फोर और यहाँ पे आपका हो जाएगा टू फोर जा एट टू टू जा फोर अगेन आपका ये टू से होगा टू वन जा टू टू जा और मुझे पता है कि इलेवन से होता है ये कैंसिल अब आपके ये कितने हैं टू सिक्स टू है वन टू थ्री फोर फाइव और आपका ये सिक्स और इलेवन आपका right कर आपने. अब जो है, के, उसे आपको देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा तो टू टू जाट जा और इलेवन जा एट होता है एट्टी एट तो ये आपका आंसर हो जाएगा ओके ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर अदर क्वेश्चन आपको खुद करने हैं ओके okay? देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ओके आपको सब्ट्रेट करके आपका इसका स्क्वायर रूट बताना है तो देखिए कैसे करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ओके तो आपको सब्ट्रेट करना लेकिन क्या करना है नंबर करना है. कैसे पहले तो आपको वन सब्ट्रेट करना है पहला ऑर्ड नंबर फिफ्टीन होता है उसके बाद

तो यहाँ पे आपका जीरो आ गया तो नंबर आप स्टेप काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर क्या यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू फोर तो देयरफॉर फोर अंडर इक्वल सिस्ट, टू कितना हो जाएगा फोर ओके टू एट नाइन का देखिए मैं राइट करके दिखा दे रहा हूं टू एट नाइन सब्जेक्ट इसमें आपको अगर नहीं आता है सही से तो रॉन्ग हो सकता है टू एट्टी एट माइनस थ्री करते हैं तो कितना हो जाएगा टू हंड्रेड एट्टी एट माइनस थ्री करते हैं फाइव टू एट्टी फाइव माइनस फाइव करिए कितना हो जाएगा टू हंड्रेड एट्टी हाँ थोड़ा सा ये बोरिंग है ओके तो कितना हो जाएगा यहाँ पे टेन माइनस सेवन करते हैं थ्री और यहाँ पे कितना हो जाएगा सेवन 273 बहुत बोरिंग सा लग रहा है आपको 17 टाइम सपरेट करना पड़ेगा मुझे कैसे पता क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट लर्न है और मैंने क्लास सेवेंथ में आपको बोला था कि आपको स्क्वायर रूट लर्न कर लेना है ओके थर्टीन माइनस नाइन करते हैं तो आपका हो जाएगा कितना फोर और ये सिक्स और यहाँ टू टू सिक्स फोर माइनस इलेवन फोर माइनस वन करते हैं थ्री सिक्स माइनस वन करते हैं फाइव और टू माइनस वन करते हैं नहीं नहीं ठीक है टू हंड्रेड फिफ्टी थ्री पॉज करके मैं राइट कर दे क्योंकि लग रहा है देखिए अपर भी कितने स्टेप हुए काउंट कर लेते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन कब तक आपको करना है जब तक आपका ये जीरो नहीं हो जाता साइड में ये क्वेश्चन इरेज कर देते हैं तभी हो पाए देखिए यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट कर दिया है तो यहाँ 13 स्टेप हो गए थे 13 14 15 16 और ये 17 में जीरो आ गया तो आप क्या राइट करेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स और देखिए अगर एग्जाम में ये दिया है आ, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से आपको फाइंड आउट करना है तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा अदरवाइज एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते हैं ओके okay, अगर मेथड दे दिया है तो आपको वही मेथड यूज करना है मेथड नहीं दिया तो आप चाहे जिस मेथड से सॉल्व uh, करिए कोई भी सम हो ओके okay? तो यहां पे देयरफॉर 289 स्क्वायर रूट 289 इक्वल टू 17 ओके okay, स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर थ्री है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वन एटी इज मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर ओके उसके बाद क्या आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑप्टेड ओके तो आपको क्या पूछ रहा है कि 180 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो 180 को अगर आप पहले फैक्टराइज करेंगे तो 290 देन 2 से करेंगे 45, ये थ्री से हो जाएगा कितना 15, again 3 से हो जाएगा और 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 ये तो तो पे पे कितना है 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 का तो बना 3, 3 का भी पेयर बना फाइव नहीं बन रहा है तो पूछ रहा है कि यहाँ पे द दर्श नंबर बाई मल्टीप्लाइड किससे मल्टीप्लाई कर दे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट राइट करना पड़ता है ऑन पैरिंग सी दैट फाइव इज नॉट इन पेयर या तो ग्रुप भी लिख सकते हैं दे फोर रिक्वायर्ड नंबर टू मेक परफेक्ट स्क्वायर आप राइट कर सकते हैं इक्वल टू और उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर तो अगर इसमें फाइव से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर अगर फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर क्या हो जाएगा टू इंटू टू सॉरी थ्री इन टू थ्री और फाइव इंटू फाइव फाइव था इसमें एक फाइव और हमने कर दिया मल्टीप्लाई ओके okay? तो ऐसे कर दीजिएगा इक्वल टू जो चीज टू टाइम है आप उसे बाहर वन टाइम राइट करेंगे टू थ्री फाइव तो टू थ्री जा सिक्स फाइव जा थर्टी ओके स्टूडेंट्स समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर फोर

ओके okay. फिर से थ्री से हो जाएगा अगेन थ्री से करेंगे नाइन अगेन थ्री से कर दीजिए और वन कितने हुए यहाँ पे थ्री टाइम है है तो टाइम लेकिन थ्री पेयर्स ओके इक्वल टू क्या आपका टू थ्री 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 फोर टाइम हुआ ये फाइव टाइम और ये आपका सिक्स टाइम तो राइट क्या करेंगे ऑन पेयरिंग जैसे भी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में राइट किया था ऑन पेरिंग टू यहां भी देखिए टू छूट गया पेयर में नहीं है टू इज नॉट इन पेयर या फिर इन ग्रुप इन पेयर देयर फोर रिक्वायर्ड डिवाइडेड नंबर लिख सकते हैं मैं सिर्फ नंबर राइट कर रहा हूं ओके okay? डिवाइडेड नंबर इक्वल टू टू उसके बाद यहां पर भी देखिए क्या पूछे ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट टू द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑपटेन ओके तो आप क्या राइट uh, करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ऑपटेन नंबर ओके ऑप्टेंट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ओके ऑप्टेंट मैं राइट कर दे रहा हूं ऑप्टेंट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू अंडर रूट में आप पहले साइन लगाएंगे और जितना ये पेयर में है सिर्फ उसे ही आप राइट करेंगे क्योंकि यहां डिवाइड करने के लिए कह रहा था ओके okay, मल्टीप्लाई होता तो एक टू भी और हम इंट्री कर देते लेकिन मल्टीप्लाई करने के सॉरी डिवाइड करने के लिए कह रहा है तो आपका जो टू एक्स्ट्रा था आप उसे रिमूव कर देंगे हटा देंगे तो कितना हो जाएगा थ्री थ्री जो नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन ओके स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इफ वन नंबर सिक्सटीन टाइम्स द अदर फाइंड द नंबर्स यहाँ अगर आप थोड़ा सा एल्जेब्रा यूज कर लेंगे तो इजी हो जाएगा तो लेट नंबर बी एक्स ओके फर्स्ट नंबर भी एक्स okay. uh, और सेकंड नंबर यहाँ पे कितना सेकंड इफ वन नंबर इज सिक्सटीन टाइम द अदर और जो सेकंड नंबर है क्या है फर्स्ट नंबर का सिक्सटीन टाइम है कितना सिक्सटीन दैट मीन सिक्सटीन अब इन दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है तो प्रोडक्ट का मतलब सिक्सटीन x इंटू एक्स इक्वल टू कितना 1296 ओके okay, यहाँ पे लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर देना है आपको तभी चीज राइट करनी है मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर क्योंकि x से x में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है तो एक्स को यहीं पे रखिए 16 को इधर तो डिवाइड में आएगा अब आप अगर इसे कैंसिल इस, करेंगे जा 188 और जा और और आया तो x तो क्या हो जाएगा इसका रूट और 81 का स्टूडेंट नाइन होता है मैंने आपको बताया है ओके तो आपको करने आना चाहिए स्क्वायर रूट नहीं लगेगा ओके नाइन हो गया तो फोर फर्स्ट नंबर इक्वल टू

एक रो में उतने ही स्टूडेंट्स खड़े हैं जितनी की रो है ठीक है तो आपको एक रो में सॉरी, यस, yes, एक रो में कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं ये आपको बताना है इसके लिए देखिए कैसे करेंगे यहां देखिए मैंने राइट कर दिया लेट नंबर ऑफ रोज ओके इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रोज इक्वल टू आल्सो एक्स क्यों क्योंकि जितनी रोज है उतनी ही ईच स्टूडेंट सॉरी ईच रो में उतने ही आपके स्टूडेंट भी हैं तो नंबर कैसे आएगा अगर रो से ईच मतलब ईच रो में कितने स्टूडेंट हैं अगर उसको मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर आ सकता है एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ सपोज देट आपकी फाइव रोज है या फोर वन टू थ्री फोर हो और एक एक रो में कितने फोर फोर हैं ओके तो आपके कितने स्टूडेंट हुए कैसे काउंट कर लीजिए सिक्सटीन आएगा कैसे आएगा फोर से फोर में मल्टीप्लाई कर देगा तो यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगा तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए एक्स इंटू एक्स इक्वल टू कितना वन टू नाइन सिक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन टू नाइन सिक्स एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन टू नाइन सिक्स अब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर दीजिए जा जा से किया सॉरी होगा ये आपका और अगेन टू से करेंगे तो कितना हो जाएगा एटी वन अब ये देखिए कोई यहाँ पे रफ नहीं देखेगा तो आप नाइन कर सकते हैं यहाँ पे लेकिन अगर प्राइम फैक्टराइजेशन शो करना तो यहाँ आपको थ्री से करना पड़ेगा टाइम और ये होता है ठीक तो आपका कितना हो जाएगा ये नाइन टू टाइम है टू टाइम है और ये वाला टू टू टाइम है तो आप इसे वन वन टाइम राइट करेंगे चाहे तो आप यहाँ पे वन स्टेप और इंक्रीज कर सकते टू इंटू टू अगेन टू इंटू टू देन नाइन इंटू नाइन जो चीज टू टाइम है उसे आप वन टाइम राइट करेंगे टू इंटू टू इंटू नाइन दैट मीन नाइन नाइन टू से थर्टी सिक्स ओके थर्टी सिक्स स्टूडेंट तो आप राइट कर देंगे देअर फोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इक्वल टू थर्टी सिक्स ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन राइट द पॉसिबल यूनिट डिजिट मतलब वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर और उसके बाद आपको बताना है कि वो ऑड का स्क्वायर है या फिर इवन का भी है तो यहाँ क्वेश्चन में यही है कि नाइन एट जीरो वन का अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं तो जो इसके वंस प्लेस पे जो डिजिट आएगी ये टेंस प्लेस की और यहाँ पे वंस प्लेस की जो डिजिट आएगी ये क्या होगी तो किसके किसके स्क्वायर में आपका वन आता है तो वन किसके अगर आप वन टेन तक का स्क्वायर राइट कर दे तो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी तो मैं राइट कर दे रहा हूं देखिए मैंने यहाँ पे साइड में स्क्वायर राइट कर दिया तो वन देखिए किसके किसके स्क्वायर में है वन वाले पर हो और किस पे नाइन वाले पे यानी इसके वंस प्लेस पे क्या हो सकता है वंस हो सकता है नाइन्स हो सकता है और ऑड का स्क्वायर रूट ऑड ही होता है और इवन का इवन और ये नंबर है ऑड तो ऑड नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा ऑड ही आ सकता है ओके ऐसे यहाँ पे वाला है कितना है नाइन नाइन एट फाइव सिक्स इक्वल टू नहीं है आपको वंस प्लेस पे क्या हो सकता है वंस प्लेस पे आपका हो सकता है मे बी ऐसे राइट करना है मे बी एट वन प्लेस इक्वल टू सिक्स देखें किस पे किस पे है फोर पे है और ये सिक्स वाले पे तो फोर और और ये क्या होगा इवन होगा ओके okay? क्या होगा इवन ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है फाइव नाइन टू नाइन इसके में भी एट प्लेस क्या हो सकता है नाइन ये देखिए थ्री वाले पर है और कहा है किस पर है सेवन पे है तो क्या हो जाएगा थ्री और सेवन और ये क्या होगा आपका ऑड होगा ओके और जीरो देखिए किस पे आता है केवल जीरो पे आता है ओके okay. और ये क्या है इवन है नेक्स्ट

सब सब के टू पेयर बन रहे थे केवल वन इस टू का नहीं बन पा रहा था तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही होगा जैसे अभी पीछे हो चुका है सेकंड ये देखिए नाइन थ्री सिक्स और जब हमने नाइन थ्री सिक्स को फैक्टराइज किया तो ये थ्री थ्री का पेयर बना और टू टू का बना लेफ्ट में क्या हो रहा है टू हो रहा है और थर्टीन हो रहा है यानी यहाँ पे आपके डबल प्राइम नंबर बच रहे हैं तो इसको कैसे राइट करते हैं बस मैं राइट करना दिखाते रहूं देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया पहले 936 को फैक्टराइज किया है और फैक्टराइज करने के बाद पेयरिंग किए है और ये देखिए 2 और 13 ग्रुप में नहीं थे तो हमने लिखा यहाँ पे राइट कर दिया ऑन पेयरिंग वी सी दैट 2 एंड 3 आर नॉट इन ग्रुप वी नॉट इन पेयर देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 2 3 ओके इक्वल टू 36 देखते हैं

तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा है यहाँ पे आप बस ऐसे राइट कर दीजिए कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे राइट करिए लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर फील्ड इक्वल टू और यहां पे इसका स्क्वायर रूट शो कर दीजिए सेवन टू 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 फाइव मीटर स्क्वायर उसके बाद इसे फैक्टराइज़ कर दीजिएगा 7225 को और जो भी आता है वो आपका यहाँ पे आंसर राइट कर देना है कुछ इस तरीके से तो देखिए यहाँ पे मैंने ये साइड में यहाँ पे इसको रफ़ली कर लिया तो यहाँ पे 1772 टाइम और फिर 552 टाइम तो यहाँ पे हमने ये राइट कर दिया अब जो

तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि 6000 प्लांट लगाना उसे स्क्वायर uh, के फॉर्म में और जिसमें से क्या होता है कि 70 uh, 70 वर uh, 71 वर लेफ्ट आउट आफ्टर द अरेंजमेंट मतलब 71 बच जाते हैं मतलब 6000 में से आपका 71 यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ओके okay? uh, क्योंकि 6000 लगाना चाहता था लेकिन 71 क्या होता है बच जाता है

करेंगे टू वन जा टू फोर झा एट टू फाइव जा टेगा टू एट जा सिक्स अगेन टू से करना पड़ेगा टू सेवन जा फोर्टीन और यहाँ पे टू टू जा फोर अब ये शायद है क्योंकि सेवन टू नाइन होता है किसी का परफेक्ट स्क्वायर यस एन का होता है शायद थ्री थ्री जै नाइन अगेन थ्री से करेंगे तो एट्टी वन अगेन थ्री से करेंगे ट्वेंटी सेवन और फिर ये थ्री टाइम में हो जाता है ओके मुझे कुछ लर्न है इस वजह से और आपको भी लर्न कर लेना चाहिए तो इजी हो जाएगा यहाँ देखिए पेयरिंग करते हैं तो ये देखिए सबके पेयर बन रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन राइट कैसे किया जाएगा देखिए तो राइट करने के लिए ऐसे आपने राइट कर लिया सेम टू सेम वहां से और पेयरिंग कर लिया ओके तो क्या राइट करेंगे स्टेटमेंट देंगे ऑन पेयरिंग या ऑन ग्रुपिंग कुछ भी राइट कर सकते हैं ऑन पेयरिंग बी सी यहां पर वी सी दैट ऑल नंबर्स ऑल प्राइम नंबर्स इन पेयर ओके इन पेयर देअर फोर वन वन सिक्स सिक्स फोर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ओके ऐसे ही आपको कॉपी में नोट करना है और उसके बाद स्क्वायर रूट पूछा है तो 11664 इक्वल टू आप 11 टाइम राइट कर लीजिएगा 3 1 और एक 3 और अब ऊपर है क्वेश्चन तो आप यहाँ पे ऐसे राइट कर सकते हैं अब यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं देंगे देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा ओके तो 2 2 4 4 जा 12 और 4 3 2 जा 4 4 3 12 और 3 3 9 12 9 108 ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई नंबर थ्री फोर फाइव तो देखिए कैसे होगा ये पहले से रेस करना पड़ेगा तो यहां पे पहले आपको थ्री फोर फाइव का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा ओके तो थ्री फोर फाइव तो ये टू से हो जाएगा डिविजिबल अगेन टू से हो जाएगा थ्री से और अब ये फाइव से तो यहां पे देखिए टू टू का तो पेयर बन गया थ्री थ्री का नहीं मतलब एक थ्री और चाहिए और एक फाइव भी और चाहिए आपको तो आपको राइट कैसे करना है तो आपको राइट करना है लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर राइट कर दे रहा हूं ताकि तो यहां देखिए ऐसे क्या रा, राइट है लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे राइट कर दीजिएगा नंबर ओके आपको एक 3 और लेना था और था क्योंकि perfect square के लिए आपका 2 time होना ही चाहिए. यहां कितना हो जाएगा? 2, 2, 4 ये हो जाएगा? ये गया. 3, 3, 9, और 5, 5, 25, 25, जा आपका होता है हंड्रेड और हंड्रेड नाइन जन्ड्रेड ओके स्टूडेंट ऐसे आपका क्या कहते हैं ये क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन भी हो जाएगा